हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में आज हम करेंगे अध्याय 10, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान के पर्यटन स्थल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आरपीएससी लेवल पर, तो वहां आपके ये चैप्टर जो है काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। डिटेल में पढ़ेंगे और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे बाहर आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल स्टार्ट करते हैं। पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है। राजस्थान भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। तो पर्यटन जो है वो क्या बन चुका है, उद्योग बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। तो भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक जो है वो राजस्थान आता है। तो इम्पोर्टेंट लाइन ये है आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। तो कोई भी नई लाइन नहीं है, वही ज्योग्राफी में भी आपने जब पर्यटन की बात की थी वहां पर भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये जो तीन लाइनें हैं इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई और 1989 में उद्योग का दर्जा इसे दिया गया। आज प्रत्येक देश पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है, जो कि सभी जानते भी हो, इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है। राजस्थान सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। तो क्या कर रही है इसके लिए, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। तो 10 सर्किटों में बांटा जाना इसी प्रयास का क्या है, परिणाम है। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम करेंगे अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये पर्यटन की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, किसको तोड़कर बनवाया गया था, ये तो सभी आप लोग पढ़ भी चुके हैं, यहाँ बिल्कुल रिपीट होगा। मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत पहले क्या थी, एक संस्कृत महाविद्यालय, जिसे विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था, विसल देव द्वारा। परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या किया, इस संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वाया और इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज्यादा सुशोभित किया। तो इल्तुतमिश ने भी इसमें क्या किया, कार्य करवाया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, उर्स का मतलब होता है मेला, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। तो सभी लाइनें जो है वो आप परिचित हैं इनसे, बस थोड़ा सा याद रखना कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का मेला जो है वह लगता है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर में जो पर्यटन स्थल दूसरा है वो क्या है, ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटन ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तथा मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। कहां पर, अजमेर जिले में ख्वाजा साहब की दरगाह पर। तो ये ख्वाजा साहब कौन है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है। दरगाह में 3 दरवाजे हैं, मुख्य द्वार निजाम दरवाजा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाजा बनवाया गया और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। तो इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं, कौन कौन से, निजाम दरवाजा, शाहजहां दरवाजा और बुलंद दरवाजा। किस किस ने बनवाया पूछा जा सकता है, निजाम दरवाजा जो है वो हैदराबाद के नवाब ने बनवाया, शाहजहां दरवाजा शाहजहां ने ही बनवाया और बुलंद दरवाजा बनवाया महमूद खिलजी ने। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी तांबे का बड़ा कड़ाव, जिसमें 4800 किलो
तथा छोटी वेग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है। जब वो मेला लगता है उस समय इस दरगाह पर जब झंडा चढ़ाने की रस्म परंपरा जो है वो निभाई जाती है, तो कुछ सामग्री मिलाकर और पकाया जाता है। जिस तरीके से हिंदुओं में क्या बनाया जाता है, प्रसाद जो है वो बनाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी तांबे का बड़ा कढ़ाव जो है वो चढ़ाया जाता है, जिसमें 4800 किलो और छोटी देग में 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भी इन देगों में भोजन पकवाते और बांटते हैं। सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है, तो कितनी अचंभे की बात है। मुस्लिम संप्रदाय में भी केवल शाकाहारी भोजन पकाया जा रहा है। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जब झंडा चढ़ाने की रस्म होती है मेले के दौरान, तो उस समय केवल शाकाहारी भोजन पकाया जाता है, तो इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। यह एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजय पाल चौहान के पुत्र अर्णो राज चौहान ने बनवाया था। इन्हें अन्ना जी के नाम से भी पुकारा जाता है, इन्हीं के नाम पर आना सागर झील नाम रखा गया। इसके निकट दौलत बाग, मुगल सम्राट जहांगीर तथा 5 12 दरिया सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। खूबसूरत सफेद मार्बल से बनी 12 दरिया हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी हैं। यहाँ सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पर पर्यटक क्यों आते हैं? ताकि यहाँ पर जो हरे भरे वृक्ष हैं इनको देखने के लिए, जो यहाँ पर इन चीजों को देखकर जो है वो मन जो है वह खुश हो जाता है। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना जी ने करवाया था, जिनका नाम क्या था? अर्णो राज। ठीक है, किसके बेटे थे? अजय पाल चौहान के बेटे थे। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो पहले भी हम लोग ये चीज जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग से राजस्थान के पर्यटक स्थल जो है वो आपके यहाँ चैप्टर में दिया है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, मेयो कॉलेज, ये भी अजमेर में ही है। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? बोर्डिंग स्कूल। अंग्रेजों के समय रिचर्ड वॉर्क द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। इस भवन का स्थापत्य इंडो सार्सेनिक भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। तो मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में किसने की थी? अंग्रेज ने, रिचर्ड वॉर्क ने की थी। मेयो कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। तो बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट ही हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो, हर चीज जो है वो हमको पढ़नी है यहाँ पर, और इतना ज्यादा इन चीजों में उलझना नहीं है कि चैप्टर जो है वो कितना बड़ा है या कितने पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको तो सभी पढ़ना ही है। नेक्स्ट देखिए, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में ही। 19वीं सदी में निर्मित एक जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया। सोनी जी की नसिया 19वीं सदी में निर्मित एक जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है, और इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया। इसके प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है और अंदर संगमरमर की दीवारें हैं, जिन पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थकरों की छवियां और चित्र बने हैं। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं इसको। ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? एकमात्र अजमेर में ही है। पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है, और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी का जो वाहन है, इसकी छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। इस मूर्ति की विशेषता क्या है कि यह सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई दे रही है। तो देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है, और इसी मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी है संगमरमर की, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सावित्री का मंदिर, यह भी कहाँ है? अजमेर में। ब्रह्मा मंदिर के ही पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी।
मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का विहंगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसी किंवदंती है, यानी ऐसी धारणा है लोगों के द्वारा कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रोप वे की सुविधा उपलब्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सावित्री मंदिर पर रोप वे की सुविधा है वर्तमान में, ठीक है। सावित्री का मंदिर जो है वो कहाँ है, पुष्कर में, ब्रह्मा जी के मंदिर के ही पीछे है। और ये जो कहानी है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर सरोवर। तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है। इस सरोवर में डुबकी लगा ले तो तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 9-10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिर और 52 घाटों से घिरी हुई है। तो पूछा जा सकता है तीर्थ स्थलों का राजा जो है वह किसे कहा जाता है, पुष्कर सरोवर को। चलिए, तो अजमेर में जितने भी पर्यटक स्थल थे वो सभी हमने पढ़ लिए हैं। तो कौन कौन से हमने पढ़े हैं, तो इनके नाम जो है वो बिल्कुल याद रखना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील, मेयो कॉलेज, सोनी जी की नासिया, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर और पुष्कर सरोवर। नेक्स्ट देखिए, अलवर। अलवर जिले में देखते हैं कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जो कि पर्यटकों को लुभाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। पहले क्या था, ये अभयारण्य था 1955 में, उसके बाद 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसका वन क्षेत्र कितना है, 1203 किलोमीटर। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, जैसे नील गाय है, लोमड़ी है, जंगली सुअर है, खरगोश है, तेंदुआ है, चीतल है, सांबर है, बंदर है। सभी पक्षियों में जंगल बेबलन, बुलबुल, क्विल, कैस्ट्रेट, सरपेंट, ईगल, रेड स्पर फाउल, सैंड ग्राउज और वुडपेकर, ये पक्षियों में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि 1 नवंबर 1955 को सरिस्का को अभ्यारण का दर्जा दिया गया था, 1978-79 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, अलवर में। नेक्स्ट देखिए, भानगढ़। तो यदि किसी को लग रहा है कि बहुत ही स्पीड में रीडिंग कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस चीज को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो वहां पर सभी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। भानगढ़ का है कि सरिस्का वन अभ्यारण से 50 किलोमीटर दूरी पर क्या है, भानगढ़ स्थित है। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। तो भानगढ़ की स्थापना जो है वो किसने की थी, आमेर के महाराजा भगवान दास के बेटे ने की थी, माधव सिंह ने। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां प्रचलित हो गई हैं, जिनको आप लोग भी जानते हो, मूवीज वगैरह में देखते हो। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिल महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। तो ये तो क्या है, लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें। हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है भानगढ़ जो है वो कहाँ है, अलवर में, और यह सरिस्का वन अभ्यारण से 50 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, माधव सिंह थे, जो कि आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र थे। नेक्स्ट देखिए, मूसी महारानी की छतरी। ये कहाँ है, यह भी अलवर जिले में है। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की याद में इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी, सीता माता की छवियां चित्रित हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी सिटी पैलेस व सागर झील और मंदिर के पास ये छतरियां शोभायमान हैं। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान हैं। तो मूसी महारानी की छतरी जो है
वह रानी मूसी की याद में ही बनवाई थी महाराजा बख्तावर सिंह ने। अगला है भर्तरी मंदिर। अलवर के लोक देवता कौन है भर्तरी? एक राजा थे, उनके जीवन के अंतिम वर्ष जो है यहीं पर बीते थे। महाराजा जयसिंह ने 1924 में भर्तरी के मंदिर को नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तरी की आराधना करने आते हैं। पास में ही क्या है, हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और श्री राम मंदिर भी स्थित है। तो भर्तरी मंदिर जो है वो राजा भर्तरी के नाम से ही है। नेक्स्ट देखिए सिल्लीसैर झील। अरावली के पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिल्लीसैर झील स्थित है। अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण जो है किसने कराया, महाराजा विनय सिंह ने। देखिए किस पर्यटक स्थल का निर्माण जो है वह किसने करवाया, ये चीज तो आप याद ही रखिएगा, और यह कहाँ पड़ती है ये भी याद रखना है, और बाकी डिटेल जो है वो हमें इसलिए समझनी होती है ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक ये चीज याद रह सके। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेट बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर यह झील बनवाई गई। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिल्लीसैर लेक पैलेस दिखाई देता है। इसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। किसे, सिल्लीसैर झील को। सिल्लीसैर झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग है, बर्ड वॉचिंग यह भी क्या है, सुविधा पर्यटकों के लिए है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, पानी में तैरती बत्तखें, मगरमच्छ, जो कि पर्यटकों का मन मोह लेती है। तो सिल्लीसैर झील कहाँ है, अलवर में ही है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिल्लीसैर बांध बनवाया था। इसमें कौन सी नदी, रूपारेल नदी जो है, तो इसका पानी जो है वह रोककर इस झील को बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में भी इसे संचालित किया जाता है। पर्यटन जो आते हैं पर्यटक, वो यहाँ पर आकर ठहरते भी हैं और यहाँ पर उनकी सुविधा के लिए वोटिंग भी है, बर्ड वॉचिंग भी है। बांसवाड़ा जिला, जिसे कि सुनहरे द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो इस लाइन को भी याद रखिएगा, सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पर्यटक स्थल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला है माही बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का यह सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट हैं और बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब यह पूरा भर जाता है तो क्या करते हैं, इनका गेट जो है वो खोल दिया जाता है। ये जो 16 गेट हैं इनको खोल देते हैं, जिससे कि दृश्य इतना अच्छा जो है नजारा दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक जो है वो यहाँ आते हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना भी है। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा सुंदरी, ये कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वह आप लोगों को पहले भी याद होगा जब हमने मंदिर पढ़े थे। डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा गांव के समीप उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है। तो पता है हमें त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता भी कहते हैं, त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह जो स्थान है कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है, जो कि शक्ति पीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग जो है त्रिपुरा सुंदरी को क्या कहते हैं, तरतई माता कहते हैं, त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश से प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ सुंदरी की आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमने देखा कि बांसवाड़ा में माही बांध और त्रिपुरा सुंदरी, यह भी पर्यटन की दृष्टि से
बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है मानगढ़ धाम। भानगढ़ जो है वो हमने कहाँ देखा था, अलवर में। ये है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, तो हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरीके से मानगढ़ जो जगह है वहां पर भी ऐसा ही कांड जो है वह हुआ था। तो बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान और गुजरात की सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। तो जिस तरीके से पंजाब में जलियांवाला बाग को देखने के लिए लोग पर्यटक जो है जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी राजस्थान में आते हैं। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार कहा गया है कि इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा का आयोजन किया गया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चलाकर उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मानगढ़ धाम पर प्रति वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, मानगढ़ धाम के बाद अब्दुल्ला पीर, यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। शहर के दक्षिण भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय के लोग दरगाह के उर्स में शामिल होने आते हैं। तो बांसवाड़ा जिले में हमने पढ़ा माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, मानगढ़ धाम और अब्दुल्ला पीर, जो कि पर्यटक की दृष्टि से काफी सुंदर है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के बाद बारा जिला। यहाँ पर देखिए सीताबाड़ी, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म जो है वह यही हुआ था। इसमें कई कुंड भी हैं, जैसे वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड। प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला भी यहाँ आयोजित किया जाता है। यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो सीताबाड़ी जो है वह माता सीता और लक्ष्मण, इनको समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट देखिए शेरगढ़ का किला। 12 से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ किला जो है वह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता है। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ को अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद मिला। इसका मूल नाम क्या है, कोशवर्धन, ठीक है, मूल नाम क्या था, कोशवर्धन था। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कौन सा पर्यटन स्थल जो है वह किस जिले में है, तो विशेष रूप से ये लाइन तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर ये कहाँ है, बारा शहर में ही 40 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर मानते हैं इसको। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिनी खजुराहो भी कहा जाता है राजस्थान का। एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिर से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता को मिठाई व सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मदिरा भी प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो कहीं भी आप खोजोगे आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मिनी खजुराहो जो है राजस्थान का किसे कहते हैं, बारा जिले के रामगढ़ भंड देवरा मंदिर को। नेक्स्ट है बाड़मेर। तो किराड़ू का मंदिर कौन नहीं जानता, इसे कहां पर है, बाड़मेर में। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर शहर से यह 35 किलोमीटर दूर है, जिन्हें आप जाकर देखें तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियां यथा स्थान कुछ इधर उधर रेत के धोरों से बिखरी पड़ी हैं। यहाँ 5 मंदिर हैं, जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है।
तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो किराड़ू का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। नेक्स्ट देखिए, श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर। यह भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया था और इसे लूटकर ले गया था। कौन ले गया था? नाकोड़ा जी जैन मंदिर पर हमला करके लूटकर कौन ले गया था? आलम शाह। लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को वो नहीं ले जा सका। गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया और जब शांति हुई तो 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में स्थापित करवा दिया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर जो है वो पार्श्वनाथ का है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का मंदिर जो है वह कहाँ है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट है रानी भटियानी मंदिर। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः डोली जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से माना जाता है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौर राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौर राजा की बड़ी रानी ने इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया था। तो रानी भटियानी का मंदिर जो है यह भी प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट देखिए भरतपुर। तो सबसे यहां पर नेशनल पार्क है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। घने वृक्ष, तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा 1985 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कि भरतपुर के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो क्या लिखेंगे आप? केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। कब किया गया? 1985 में। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रति वर्ष सर्दियों में आते हैं, घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी जैसे ही शुरू होती है वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जाते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया। आज इसे विश्व का सबसे ज्यादा शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। तो घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में ही है। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि घना पक्षी विहार आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें भारतीय सारस क्रेन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हैरन, पेंटेड स्टॉर्क, कार्मोरेंट, नॉबेल डक, वाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी जो है वो सर्दियों में यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है लोहागढ़ किला। नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेल्सले ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु लकड़ी के बने हैं। दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। किले के अंदर सुंदर स्मारक में कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल है। राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के बाद जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जो है वह यहाँ पर बनवाया था। तो लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? यह भरतपुर में है। बंद बारेठा, यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण है जहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में यहाँ पर बांध का निर्माण करवाया था। 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया। तो देखिए भरतपुर के शासकों का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य बंद बारेठा है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में स्टार्ट करवाया, 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया।
इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बारेठा में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी विचरण करते हैं। गंगा मंदिर, भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर, राजपूत मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। यह मंदिर किसने बनवाया? महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में, और इसका निर्माण कार्य जो है वह 90 वर्षों तक चला। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान दिया था। यहाँ मुख्य आकर्षक भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ पर लोग आते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, ताकि चीजें जो है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाएं कि आप लोगों को समझ में ही ना आए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम भीलवाड़ा जो कि वस्त्र नगरी है यहां से हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।